इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जमीनी नेता हैं, बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, उन्हें विरोधियों पर तंज कसने में महारत हासिल है। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के मिशन बंगाल में अपनी दमदार मौजूदगी के साथ टीएमसी और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। टीएमसी को तोड़ो मरोड़ो और काटो पार्टी बताया। ममता पर हिंदू मुसलमानों को बांटने का आरोप लगाया। मेरी सहयोगी अर्चना सिंह ने शिवराज सिंह चौहान से एक्सक्लूसिव बात की, आइए आपको पूरी बातचीत दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर मैदान में उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कोलकाता में हैं। आज उनका कोलकाता में बेहद व्यस्त दिन है, हम उनके पूरे दिन का कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। लेकिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। ये बताइए कि आपने अभी नाश्ता किया, लेकिन बंगाल का स्वाद और मध्य प्रदेश के स्वाद में बहुत अंतर है, सहज महसूस कर पा रहे हैं खुद को? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, विविधता में एकता, यह हमारे देश की विशेषता है। और बंगाल जिसने देश को दार्शनिक दिए, चिंतक दिए, विचारक दिए, ऋषि दिए, महर्षि दिए, वीर दिए, क्रांतिकारी दिए, अद्भुत है ये भूमि। यहाँ आके सचमुच में इस भूमि को बार बार प्रणाम करने को जी चाहता है। क्या ये माना जाए कि जो बंगाल में बेटी और बुआ की लड़ाई है, उसमें अब मामा की एंट्री हो चुकी है? देखिए, लड़ाई तो यहां लोकतंत्र को बचाने की है, लड़ाई यहां खून खराबा और हिंसा को समाप्त करने की है, लड़ाई यहां जो कटमनी और क्या तोलाबाजी टैक्स, जनता की योजनाओं का पैसा खा रहे हैं तृणमूल वाले, कट मनी को कट करने की, समाप्त करने की है। अरे यहां तक के तूफान पीड़ितों को तिरपाल आते हैं तो वो भी ये खा जाते हैं, गरीबों का अनाज ये खा जाते हैं, चिटफंड कंपनियों के नाम पे जनता को तबाह कर दिया और उसकी आज कहां तक गई है ये सारा बंगाल आज जानता है। हिंसा की आग में धकेल दिया बंगाल को और बंगाल का बंटवारा कर दिया। एक बंटवारा किया था 1906 में अंग्रेजों ने, दूसरा बंटवारा ममता दीदी ने कर दिया और वो कर दिया है हिंदू मुसलमानों में बांट के, तुष्टीकरण की नीति करके। तुष्टीकरण के कारण एक अलग बंगाल कई जगह दिखाई देता है, 5000 गांव में हिंदुओं का नामो निशान नहीं बचा। तो ये तो जो बंगाल को बांटने का षड्यंत्र किया है उसके खिलाफ संघर्ष और लड़ाई है। जनता को सुशासन देने के अभियान में भारतीय जनता पार्टी लगी है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है सोनार बांग्ला, और वो भी हम केवल अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे। कैसा होगा सोनार बांग्ला, ये जनता के सुझावों से तय होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने ममता दीदी को जवाब देना पड़ेगा, क्या बिगड़ता था ममता दीदी अगर 6000 रुपया हर साल यहां के किसान भाइयों और बहनों को मिल जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी, गरीबों का इलाज हो जाता, दीदी तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? ये किसानों और गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है ये उसके खिलाफ लड़ाई है। यहाँ की राजनीति बहुत रक्त रंजित है, अलग तरह की पॉलिटिक्स होती है यहाँ पर। इस पॉलिटिक्स में बीजेपी अपने आप को कितना कंफर्टेबल मानती है, या इसमें लड़ने के लिए, इस तरह की पॉलिटिक्स में लड़ने के लिए उसी तरह से लड़ाई करनी होगी, यानी उन्हीं के मैदान में आना होगा, कैसा जरूरी है? देखिए, टीएमसी का नाम हो गया है तोड़ो मारो काटो, ये टीएमसी हो गई, गाड़ियां तोड़ी जा रही है। अभी कल ही खबर आई परिवर्तन यात्रा की, गाड़ियों को ही तोड़ दिया गया, कार्यकर्ताओं का खून बहाया जा रहा है, मारा जा रहा है लोगों को, काटा जा रहा है। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता बलिदान हुए हमारे। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम इस हिंसा करने वाली मानसिकता को ही कुचलेंगे, इसको समाप्त करेंगे। हमारा अभियान लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर होगा, शांति के साथ चलेगा। और जनता ने देख लिया है कि जय श्री राम के नारे पे जो विदग जाए
और मंच छोड़ के चली जाए। क्या वो वैसे लोगों के साथ जो सरस्वती पूजा का विरोध करते हैं, क्या उनके साथ रहेंगे? और काली माँ, आज आप दर्शन भी करने जाने वाले हैं काली घाट और दक्षिणेश्वर दोनों जगह? जरूर, अब बंगाल आए और जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। हम लोग मध्य प्रदेश में नारे लगाते रहे बचपन में, तो काली मैया के दर्शन नहीं किए? नारे चलते हैं खूब। हाँ, मतलब मध्य प्रदेश से गांव गांव में बचपन में हम लगाते थे जय काली कलकत्ते वाली। और फिर दक्षिणेश्वर, ये पवित्र भूमि रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, ये बताइए विवेकानंद की भूमि है, और इसलिए दक्षिणेश्वर भी माँ के दर्शन करूंगा। ये बताइए सर कि 3 सीट जो बीजेपी को 2016 में मिली थी, इस बार अब कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? हम तो 200 पार जाएंगे, शानदार सरकार बनाएंगे। एक आंधी चल रही पश्चिम बंगाल में, परिवर्तन की आंधी, मोदी जी की नीतियों पर, नेतृत्व पर, पूरे देश को, जिसमें हमारा बंगाल शामिल, बंगाल को भी विश्वास है, और आज देख रहे हैं बंगाल मोदी जी के साथ खड़ा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।